शॉर्टपुरिया और शॉर्टबाजा नहीं खाया तो क्या खाया? तो हम लोग इधर खा रहे हैं शॉर्टपुरिया और शॉर्टबाजा, ठीक है। दोस्तों हम लोग घर से करीबन इधर 50 किलोमीटर चल चुके हैं और इधर थोड़ा हमारे पास थोड़ा काजू था, थोड़ा बिस्किट था, थोड़ा खाने के लिए रुका है, तो इधर थोड़ा बहुत खा लिया और थोड़ा पानी वानी पीएंगे अभी। और रोड साइड में खड़ा हुआ है, इधर देखिए इधर रास्ता है और बहुत ही गाड़ी जा रहा है इधर। तो हम लोगों का डेस्टिनेशन आप कितना दूर पड़ेगा इधर से? लगभग 30 और 35 या 40 किलोमीटर पड़ेगा, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है। 35 किलोमीटर पड़ेगा एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो इधर हम लोग थोड़ा पानी वानी पियेंगे और इधर से पूरा निकल जाएंगे, ठीक है। भाई भी इधर है, आप कुछ भाई को तू कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। तो कैसा लग रहा है राइड में, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, इधर का लुक तो ऑसम है, ऑसम। तो दोस्तों इधर रोड साइड का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो रोड साइड का व्यू, और इधर तो देख ही सकते हो रोड के साइड हम लोग खड़ा है। तो ठीक है, वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों अभी कृष्णनगर हम लोग एंटर कर चुके हैं और राजबाड़ी का जो रोड है उधर भी हम लोग चढ़े आए हैं। आपको जो मेन रोड रहेगा उससे हम लोगों को राइट लेना है, फिर आपको ये रोड मिलेगा। तो गूगल मैप पे डाल देना, आप लोगों को सही से लेके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये राजबाड़ी का रोड है, बिल्ली क्रॉस करने से पहले हम लोग क्रॉस कर गए। हमारा गाड़ी इधर 82 किलोमीटर चल चुका है। इधर से और कितना दूर है राजबाड़ी भाई? 3 किलोमीटर और है इधर से। तो दोस्तों इधर से और 3 किलोमीटर हम लोगों को जाना पड़ेगा, फिर जाके राजबाड़ी का जो गेट है वो मिलेगा। देखिए कितना जैम है इधर। ओ भाई इतना जैम कैसे हुआ इधर? तो स्कूटी का फायदा उठाते हुए थोड़ा बहुत इधर भी आज हम लोगों करीबन से 10 से 12 रेल गेट इधर मिला कृष्णनगर आने के टाइम। हर एक तरफ रेल गेट। स्कूल से जाओगे 2-3 किलोमीटर अंदर गेट है। देखिए कृष्णनगर रेलवे स्टेशन है लगता है, इधर है ना। तो दोस्तों देखिए कितना जैम है इधर, तो कैसे जाएंगे भाई? तो इधर ओवरटेक भी नहीं कर सकते, रास्ता का हालत भी बहुत खराब है। तो दोस्तों कृष्णनगर वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही अच्छा जो है टूरिस्ट स्पॉट है, तो इधर से हम लोगों को राइट लेना पड़ेगा। दादा कृष्णनगर राजबाड़ी है, ठीक है, कृष्णनगर राजबाड़ी सोजा। तो दोस्तों वही इधर राइट लेके इधर से सीधा जाना पड़ेगा, उधर लगता है कृष्णनगर स्टेशन है और स्टेशन के पास से इधर राजबाड़ी जाने का रास्ता है। अभी किधर लेफ्ट दोस्तों, देखिए इधर एक लेक टाइप का लगता है, भेड़ी है इधर, लेक टाइप का बना हुआ है और इसके अंदर से जा रहे हैं हम लोग। तो इधर का व्यू तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा है इधर का व्यू, देखिए आप लोग। तो दोस्तों ये पूरा जो रास्ता है ये मैं कवर कर रहा हूँ आपके हेल्प के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा अगर आप लोग इधर आ रहे हो तो आप लोगों को ये रोड पूरा देखने को मिलेगा और पूरा समझ जाओगे आप लोग किधर से आना है। सीधा सीधा ना भाई। तो दोस्तों अब तो आप लोगों को पता चल ही गया हम लोग किधर जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कृष्णनगर राजबाड़ी, जो कि राजबाड़ी का जो रोड है ये, तो ये जो राजबाड़ी है वो राजा जो कृष्णचंद्र था उसका जो महल है वो है, और उसके अंदर से गोपाल भार भी यहाँ पे था। आप लोग तो गोपाल भार के नाम तो सुना ही होंगे, देखिए घोड़ा का गाड़ी है। अभी इधर से किधर भाई? बादी के
इधर से लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा आप लोगों को, इधर से सीधा लेना पड़ेगा फिर। तो दोस्तों कृष्णनगर जो राजबाड़ी है लगता है इस टाइम नहीं खुला रहेगा, अंदर जाने के लिए देगा कि नहीं देगा मेरे को नहीं पता, लगता तो नहीं देगा क्योंकि जगदत्री पूजा दुर्गा पूजा और होली के टाइम पे ही जो राजबाड़ी जो है खुला रहता है। फिलहाल देखिए जाने की एंट्री मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो बाहर से देख के चले आएंगे और उसके बाद और एक जगह भी जाएंगे, तो देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों ये मैंने जो बोला राजा कृष्णचंद्र तो जो था उसका बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगा। राजबाड़ी में जाने दीजिए, लेफ्ट साइड है ना, और उसका जो एक और उधर गोपालगढ़ भी था उसका सभा में, जो कि बहुत सुने होंगे आप लोग, स्पेशली अगर आप वेस्ट बंगाल से है तो आप तो सुने ही होंगे, मस्त है ये पक्का है बिल्कुल। और इसके बारे में बंगाली वीडियो तो बहुत सारा है इसलिए मैं हिंदी में भी वीडियो बना रहा हूँ इसका, क्योंकि वेस्ट बंगाल से बाहर का जो लोग है उसको भी थोड़ा जानने का स्कोप देते हैं हम लोग, क्योंकि हिंदी में तो बहुत कम वीडियो है वेस्ट बंगाल का फ्यूचर के बारे में। राइट साइड में जाना पड़ेगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और इधर से कितना दूर भाई है? और कितना दूर है? 1 किलोमीटर। देखिए दोस्तों मेरा गाड़ी 84 किलोमीटर चल चुका है और भी 1 किलोमीटर हम लोग को जाना है। तो दोस्तों ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस में जाने को मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत सारा खुशी मिलता है उधर मेरे को, इधर उस जगह पे जाके ऐसे ऐसे पुराना जगह पे जाके बहुत ही खुशी हो रहा है। बहुत दिन से सोच रहा था आएंगे आएंगे लेकिन कभी प्लान नहीं बनाया, और कल रात को अचानक से प्लान बनाया और हम लोग चले आए, तो बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा है। सामने देखिए जो राजबाड़ी है उसका दरवाजा है लगता है, उसका कंस्ट्रक्शन देखिए आप लोग, मेरे को इधर से ही दिख गया है थोड़ा बहुत। भाई देख सामने देख, ओ भाई देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये एक राजबाड़ी का जो एक दरवाजा है लगता है गेट है, लेकिन अब बंद कर चुका है, जैसे मिडिल से वॉल बना दिया है इन लोगों ने इसलिए ये बंद है। और इसके लेफ्ट साइड चला जाएंगे तो पूरा राजबाड़ी से आप लोग घुस जाएंगे, देखिए मिडिल से इसको वॉल बना दिया है इन लोगों ने और हम लोग सीधा घुस गए भाई, हम लोग सीधा घुस गए हैं राजबाड़ी के अंदर, देखिए। ओ भाई अब देखिए दोस्तों एक बड़ी बात, इतना पुराना कंस्ट्रक्शन है आप लोग देखिए एक बार भाई, फिर देख गेट का जो पिछले हिस्सा है वो इधर है। और के अंदर से हम लोग श्री श्री काली ज्योति के अंदर से ही घुसाएंगे भाई। ओ भाई कैसा फील हो रहा है मेरे को, मैं कैसे बया करूं आप लोगों के साथ, मेरा क्या बताओ आप लोगों को, कितना अच्छा लग रहा है इधर आके हम लोग को। देखिए ये जो राजबाड़ी का जो गेट है ये है मेन गेट, ये है राजबाड़ी का, इधर लगता है खुला है, लगता है इधर अंदर घुसने दे रहा है नहीं दे रहा है लगता है, देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये राजगढ़ का गेट है, दोस्तों देखिए ये राजगढ़ का गेट है, फिलहाल मैं एक्शन तो दोस्तों देखिए हम लोग कृष्णनगर राजबाड़ी का फील्ड में आ चुके हैं और पीछे एक गेट है और मेरे सामने इधर देखिए इधर मेन गेट है, इसके अंदर से एंट्री नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जगदत्री पूजा दुर्गा पूजा और
बारोदोल के टाइम में इधर एंट्री मिलता है, मतलब कि होली के टाइम में एक स्पेशल डे रहता है उधर उस दिन, और उसके अलावा इधर एंट्री नहीं मिलता है। उस पीछे देखिए कितना पुराना कंस्ट्रक्शन, आज तक कितना अच्छी तरीके से खड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ शॉट इधर का लिया है, वीडियो के साथ ज्वाइन कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और पीछे है इस राजबाड़ी का मेन गेट। तो दोस्तों इस राजबाड़ी के बारे में बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री है, जो राजा कृष्णचंद्र था उसका ये राजबाड़ी है, और इसके इसका जो सभा था उसके सभा में गोपाल भर भी थे। गोपाल भर के नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, कितना मशहूर है वो। तो इसके बारे में मैं तो डिटेल्स वीडियो के साथ साथ बताता रहूँगा। आप बहुत दूर से इधर आए, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा कुछ खाते, और आप इसका व्यू देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।
तो दोस्तों हम लोग इधर थोड़ा खा पी भी लिया, थोड़ा जो मेरा हम लोग का बैग में था थोड़ा खा लिया, और इस जगह में घूम भी लिया। जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल है। आप इधर आके बहुत कुछ जान सकते हो इस राजबाड़ी के बारे में, पुराना इतिहास के बारे में। आप बहुत कुछ नॉलेज लेके इधर से जाओगे, ऐसे खाली आप नहीं जाओगे। तो आके इधर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो खराब लगा, इसका अंदर एंट्री नहीं मिला हम लोगों को, तो साल में 3 टाइम जो खुला रहता है उस टाइम में फिर से भी एक बार आऊँगा आके इसके अंदर घुस के पूरा राजबाड़ी एक्सप्लोर करके ही जाऊँगा। तो बहुत ही अच्छा जगह है। और भाई आप कुछ बोलना चाहते हो इस जगह के बारे में? जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जगह तो बहुत अच्छा लगा मुझे घूम के, बहुत ही अच्छा लगा। और इधर मुझे एक दिक्कत आया कि इधर एंट्री नहीं दिया था इधर का लोग। तो दोस्तों अभी इसके बाद हम लोग इधर एक चर्च है, फेमस चर्च, उस जगह पे भी हम लोग को जाने का थोड़ा बहुत इच्छा है। देखिए हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। फिलहाल राजबाड़ी का और कुछ शॉट देख लीजिए और इधर से हम लोग इसके बाद रवाना हो जाए, ठीक है? तो दोस्तों इधर हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से घूम लिया, अब इधर से हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग का दूसरा जो डेस्टिनेशन है उसके तरफ निकल जाएंगे। फिलहाल लास्ट एक राउंड आप लोगों को दे दिया, देखिए ये राजबाड़ी का सामने है, राजबाड़ी का फ्रंट साइड है, और उसके साथ साथ इस तरफ भी पूरा है इसका इलाका, इस तरफ से भी। इस तरफ से थोड़ा जाके देखते हैं इधर क्या है, आए तो थोड़ा घूम के ही जाते हैं। इधर इसका पिछला हिस्सा लगता है, और इधर से कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों ये लगता है एक फील्ड है, राजबाड़ी का ही फील्ड है, पूरा प्रॉपर्टी सब राजबाड़ी का ही है। मेरा फोन तेरे पास है ना, राजबाड़ी का ही प्रॉपर्टी है, लेकिन इधर कुछ लोग रह रहा है लगता है। तो दोस्तों कृष्णनगर राजबाड़ी में आके हम लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, मन में बहुत ही ज्यादा शांति मिला। फिलहाल हम लोग इधर से निकल रहे हैं, और ये जो एग्जिट गेट है इधर से हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कितना पुराना कंस्ट्रक्शन ये है, और अभी भी कितना अच्छी तरीके से खड़ा हुआ है। इसका जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का जो ईट है वो पूरा निकल रहा है धीरे धीरे, इसको मेंटेनेंस की जरूरत है। देखिए सामने जो गेट है वो फिलहाल अभी बंद है, और साइड से घूम के आना पड़ता है। अच्छा ये स्कूल बना दिया इन लोगों ने, कल स्कूल बना दिया, ये लिखा भी है, नाम मिट गया है, अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है। अच्छा स्कूल बना दिया भीतर इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा इस जगह में आके।
तो अभी हम हमारा थोड़ा कुछ खा पियेंगे होटल से और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन के और बढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए। तो दोस्तों हम लोग इधर से शौरपुड़िया और शौरभाजा खा रहे हैं जो कृष्णनगर का सबसे ज्यादा फेमस फूड है। कृष्णनगर आया और शौरपुड़िया और शौरभाजा नहीं खाया तो क्या खाया? तो हम लोग इधर खा रहे हैं शौरपुड़िया और शौरभाजा। ठीक है, अब कृष्णनगर घूमना हम लोगों को पूरा कंप्लीट हो गया। इसको खाने के बाद हम लोग इधर से निकल जाएगा। आप लोग ये शॉप का नाम भी देख लिया तो अच्छा है ना भाई? हाँ। बहुत ही टेस्टी था शौरपुड़िया और शौरभाजा, खा के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये है शौरपुड़िया और ये है शौरभाजा। तो कृष्णनगर का फेमस है शौरपुड़िया और शौरभाजा। तो इसको खा के टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। कृष्णनगर के सबसे बेस्ट पुड़िया है, सबसे बेस्ट खाना है इधर, सबसे बेस्ट मिठाई है बोल सकते हो आप लोग, शौरपुड़िया और शौरभाजा। तो इस जिस जगह से खरीदे इसका नाम देख लीजिए आप लोग। इस शॉप से हम लोग ये खरीदे अधर मिष्टान्न प्रतिष्ठान। तो दोस्तों देखिए हम लोग चर्च के बहुत ही नज़दीक में आ चुके हैं। अब इसके अंदर एंट्री लेंगे, देखते हैं एंट्री होता है कि नहीं होता है, उसके बाद पूरा घूम के दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये चर्च इस जगह का बहुत ही फेमस चर्च है, तो लगता है कि बहुत ही अच्छा लगेगा जाके। तो देखते रहिए वीडियो।
तो दोस्तों देखिए, हम लोग बाईपास में आ चुके हैं, घर के बहुत करीब है। वो उधर हाईवे में उठ के इतना स्टोन का ट्रक था, उधर हम लोगों का 2-3 घंटा चला गया। 2 घंटे उधर जाम पे हम लोग फंसा हुआ था, इतना बड़ा जाम था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो दोस्तों बहुत कुछ करके वो जैम क्रॉस करने के बाद हम लोग बाईपास में आया, बहुत टाइम लग गया और हम लोगों का हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक स्कूटी की हालत भी ख़राब है, धूल मिट्टी से पूरा एकदम ख़राब हो गया है। हम लोगों का भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैंने सोचा था कि घर में जाके इसको एंड करूँगा, लेकिन एंड कर ही दिया। बाईपास रोड में आके थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लिया, हाथ पाँव पूरा जाम हो गया था। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से एक बार लाइक करना और हमारे चैनल को एक बार सपोर्ट कर देना, रिक्वेस्ट है आपसे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।